हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रोहित गोयल और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं पीआरपी के बारे में। पीआरपी होता क्या है? पीआरपी प्लाज्मा रिच प्लेटलेट, और ये कैसे काम करता है। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ सुनी है कि पीआरपी हेयर ग्रोथ में और न्यू ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, तो इसके बारे में मैं आप बताने वाला हूँ। एक कथा है, आपने सुनी होगी कि राक्षस और देवताओं के बीच एक समुद्र मंथन हुआ। उस मंथन में बहुत सारे रत्न निकले, 9 रत्न निकले और विष निकला और साथ में अमृत निकला। ऐसे ही जब हम अपने ब्लड का मंथन करते हैं या सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूज करने से उसको हम पार्ट में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ब्लड में से सेल्स वाला पार्ट अलग हो जाता है, प्लाज्मा वाला पार्ट अलग हो जाता है, और हम प्लेटलेट वाला जो पार्ट होता है उसको अलग से सेपरेट कर सकते हैं। तो जितना भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा प्लेटलेट्स का पीआरपी के अंदर, उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। बेसिकली जो हमारा पीआरपी होता है, प्लाज्मा होता है, वो दोनों के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो हमारे सेल्स को प्रोलिफरेट करने में हेल्पफुल होते हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स कैपिलरीज़ को रीजनरेट करने में हेल्पफुल होते हैं, जो हमारे कॉलेजन को फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो प्रोसेस हैं वो स्पीडली करते हैं। तो जहाँ पर हम पीआरपी को इंसर्ट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया का जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। अब सपोज़ हम हेयर के रूट में अगर हम पीआरपी को डालते हैं, तो वहाँ के जो सेल्स हैं वो थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, वो थोड़ा स्पीडली ग्रोथ करते हैं और ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। एक तरीके से हेयर फूड है वो, जो आपके ब्लड से हमने पीआरपी निकाला है, तो वो हेयर फूड वाला वर्क करता है और हेयर को थिक कर देता है, हेयर की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा देता है। पीआरपी हम खाली हेयर के लिए नहीं यूज़ करते, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि स्किन को, जो फेशियल स्किन को रिजुविनेट करने के लिए, वहाँ पर कॉलेजन फॉर्मेशन से स्किन को टाइट करने के लिए, जो फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, ओपन पोर्स हैं, उनको कवर अप करने के लिए हेल्पफुल होता है। और नई स्टडी के अकॉर्डिंग मेलाज्मा, जो हमारे झाइयाँ आ जाती हैं, उन झाइयों में भी पीआरपी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है जो स्टडी के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ कॉस्मेटिक पर्पस से, जैसे ब्रेस्ट को टाइटनिंग के लिए, हमारा पेनिस एनलार्जमेंट के लिए, और हम देखें तो टेंडनाइटिस, जो ऑर्थो की बात करें हम, ऑर्थोपेडिक्स जो हैं वो टेंडनाइटिस में पीआरपी का बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं। लिगामेंट रप्चर हो जाता है तो वहाँ पर हम बहुत अच्छा पीआरपी का रोल देखते हैं। और जो हमारे जॉइंट्स पेन होते हैं, जैसे हमारे नी पेन हो गया, वहाँ पर साइनोवल फ्लूड की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, उस वजह से पेन होता है, तो साइनोवल फ्लूड को रीजनरेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो पीआरपी ऐसे बहुत जगह पर हम यूज़फुल देख सकते हैं। बेसिकली हमारे पास अलग अलग टाइप की पीआरपी किट होती हैं, जैसे ये है, आप सेकंड आप देखेंगे, ये अलग पीआरपी किट है, और ये आप देखेंगे, ये अलग पीआरपी किट है। तो इनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ कि कैसे कैसे इन पीआरपी किट्स को हम यूज़ करते हैं। थैंक यू।